हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन, आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है बिना दहेज के साथी नहीं होगी भाई साहब भाग। तो कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे मुझे मिलती रहे नई नई कहानी लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अभिनव अपनी पढ़ाई पूरी करके विदेश से भारत आ चुका था। तभी उसके पिता उसकी माँ से कहते हैं, कुछ ही समय में अभिनव घर पर आ जाएगा, तो तुम्हें यकीन है कि वह मेरी बहन द्वारा बताए हुए रिश्ते अंजलि से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। वह निधि के बारे में नहीं पूछेगा। अभिनव की माँ, अभिनव मेरा बेटा है और जो मैं उससे कहूँगी वही करेगा, और उसे कैसे अंजलि के साथ शादी करने के लिए राजी करना है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप उसकी चिंता मत कीजिए, बस उसके आने की तैयारी कीजिए। अभिनव जब घर आता तो उसकी माँ अभिनव से कहती है, बेटा ये तुम्हारी बुआ ने तुम्हारे लिए रिश्ता बताया है, इसका नाम अंजलि है। फोटो देखकर बताओ तुम्हें ये लड़की कैसी लगी, मुझे तो बहुत पसंद है। अभिनव, माँ आप कैसी बातें कर रही हैं, मेरी सगाई निधि के साथ हो गई है और कुछ ही दिनों में हमारी शादी है, और आप कह रही हैं कि मैं अंजलि की फोटो देख कर बताऊँ कि वह मुझे कैसी लगी। अभिनव की माँ, तो क्या कहूँ बेटा, निधि तो तुझे धोखा देकर कहीं भाग गई। माँ आप क्या कह रही हैं। अभिनव की माँ, सच कह रही हूँ बेटा। अभिनव, माँ आपको कोई गलतफहमी हुई है, निधि ऐसा नहीं कर सकती, मैं अभी जाकर उससे मिलकर आता हूँ। अभिनव की माँ, निधि ने ऐसा ही किया है और उसके पिता अपनी बदनामी होने के कारण घर बेचकर कहीं चले गए हैं, और जाने के पहले निधि ने मुझे ये चुनिया भी वापस कर दी जो मैंने उसे अपनी बहू होने के नाते दी थी। उसने कहा था कि मैं आपके बेटे से प्यार नहीं करती, इसलिए उससे शादी भी नहीं कर सकती। तुझे विश्वास नहीं तो तू उनके घर पर जाकर देख ले। अभिनव निधि के घर जाता है, लेकिन वह घर तो बिक चुका था, इसलिए उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। अभिनव अपनी माँ की बातों पर यकीन कर लेता, लेकिन वह अंजलि के साथ शादी करने से मना करता। वह कहता है, मैं अभी किसी से भी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अभिनव की माँ, निधि तो अपना घर बसा चुकी है, क्यों उसके गम में अपना घर नहीं बसा रहा है। यदि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो तुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कम से कम अपनी माँ की इतनी सी बात तो मान जा। अभिनव माँ की जिद के कारण अंजलि के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अभिनव की माँ, सगाई और शादी एक ही दिन कर लेंगे, है ना बेटा। अभिनव से हिरा कर वहाँ से चला जाता है। अभिनव इस शादी से खुश नहीं था और उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि निधि उसे धोखा दे सकती है। अभिनव की उदासी उसके चेहरे पर अलग दिख रही थी, लेकिन अभिनव के राजी माता पिता को तो सिर्फ दहेज चाहिए था, जिसके कारण वह अपने बेटे की खुशी भी कुर्बान करने के लिए तैयार थे। वहाँ दूसरी ओर जब निधि को पता चलता है कि अभिनव किसी और से शादी करने पारा है, तो वह अभिनव से मिलने के लिए उसके घर जाती है। उस दिन घर पर अभिनव अकेला था। उसके माता पिता शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए अंजलि के घर जाते। निधि अभिनव से मिलकर कहती, तुम सगाई करने तो जा रहे हो, लेकिन इस सगाई की अंगूठी वापस लेना तो भूल ही गए जो तुमने मुझे पहनाई थी। अभिनव, मैंने सोचा तुमने उसी दिन दे दी होगी जिस दिन तुमने मेरी माँ की दी हुई चुनिया वापस कर दी थी। निधि, मैंने वापस कर दी थी कि तुम्हारी माँ खुद मेरे हाथों से उतार कर ले गई थी। अभिनव, मेरी माँ क्यों तुमसे चुनिया वापस लेंगी जो उन्होंने स्वयं अपने मन से दी थी। तुम तो किसी और से प्यार करती हो और उसके साथ शादी करने के लिए हमारा रिश्ता भी तोड़ दिया था। निधि, अभिनव मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और किसी से नहीं। मेरे पिताजी को व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ था, जिस कारण वह तुम्हारी माँ की मांगे पूरी नहीं कर सकते थे, उन्हें दहेज नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने हमारे साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया। क्या तुम ये सब नहीं जानते। अभिनव, मुझे तो इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं। माँ ने कहा था तुम किसी और से प्यार करती हो और उसी के साथ तुमने शादी कर ली। अभिनव, निधि से मैं तुमसे बाता करता हूँ कि मैं शादी सिर्फ तुमसे ही करूँगा। अभिनव अपनी माँ से पूछता है कि आपने मुझसे झूठ क्यों कहा, क्यों कहा कि निधि ने किसी और से शादी कर ली है। अभिनव की माँ, तो क्या करती, उन भिखारियों के यहाँ तेरी शादी करवा देती जिनके पास हमें देने के लिए दहेज ही नहीं। अंजलि के माता पिता मुँह मांगा दहेज देने के लिए तैयार हैं। अभिनव, मैं सिर्फ
नीति से ही शादी करूंगा, मेरी उसके साथ सगाई हो चुकी है, वह भी आपकी मर्जी से। नीति आपको पसंद थी इसलिए मैंने उसके साथ सगाई की थी और अब मैं उससे ही शादी करूंगा। सगाई तो मैंने आपकी मर्जी से ही की थी लेकिन अब आपके कहने पर मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ सकता। जिस दिन मैंने नीति से सगाई की थी उसी दिन उससे शादी करने का वादा भी किया था और मैं अपनी बातें से पीछे नहीं हट सकता। अभिनव की माँ, बेटा भावनाओं में पागल मत बन। इतनी बड़े पैसे बारे घर के रिश्ते को ठुकरा कर तू उस घर की बेटी से शादी करेगा? माँ, मैंने नीति से सगाई की है और उससे ही शादी करूँगा और मैं उससे वादा कर चुका हूँ कि मैं सिर्फ उससे ही शादी करूँगा। अभिनव की माँ, उस कर की लड़की के लिए तू अपनी माँ की बात को टालेगा? वह तेरे लिए सब कुछ हो गई, तेरी माँ तेरे लिए कुछ भी नहीं। अभिनव माँ, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं लेकिन इस बार आप गलत हैं और मैं आपकी गलती में आपका साथ नहीं दे सकता। अभिनव की माँ, एक बात तू मेरी भी सुन ले, यदि तूने नीति से शादी की तो इस घर में तेरे लिए कोई जगह ही नहीं। अभिनव, आज तक मैंने आपकी कोई बात नहीं तारी तो यह भी नहीं तारूंगा, मैं नीति से शादी करने के बाद इस घर में कभी नहीं आऊंगा। यह सब बातें पास में खड़ी हुई अभिनव की बुआ भी सुन रही थी। आग में घी डालते हुए अभिनव की बुआ अभिनव से कहती हैं, अभिनव तू यह ठीक नहीं कर रहा है, उस नीति के लिए अपनी माँ को छोड़कर जा रहा है। तेरी माँ ने तुझसे कितना प्यार किया और तू उसके प्यार को ठुकरा कर जा रहा है। अभिनव, मैं माँ को कभी नहीं छोड़ सकता और कभी नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन वह कहेंगी उस दिन मैं इस घर में जरूर आऊँगा। अपनी माँ के पैर छूते हुए अभिनव वहाँ से चला जाता। जब वह निधि के घर जाता तो निधि के पिता अभिनव को देखकर कहते, अब इस घर में क्यों आए हो, जाओ अपनी माँ के पास और कर लो किसी पैसे वाली बाप की बेटी से शादी। अभिनव, पापा मैं आपसे निधि का हाथ मांगने आया हूँ और जो माँ और पापा ने आपसे असक्त किए हैं उनके लिए माफ़ी मांगने आया हूँ। निधि के पिता, क्या तुम निधि से शादी करने के लिए तैयार हो? लेकिन तुम्हारी माँ तो तुम्हारी शादी कहीं और करवाना चाहती हैं। अभिनव, पापा पुरानी बातें भूल जाइए और अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कीजिए। निधि के पिता अभिनव से कहते हैं, आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी के सामने सिर उठा सकता हूँ। उस दिन मैं शर्मिंदा था कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता किस घर में तय कर दिया, पर आज मुझे इस बात पर गर्व है कि मैंने अपनी बेटी के लिए सही लड़का चुना जो हर हार में सुख और दुख में उसका साथ देने के लिए तैयार है। बहुत जल्द अभिनव निधि की शादी हो जाती। अभिनव बहुत पढ़ा लिखा था इसलिए उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल जाती। वह एक किराए के घर में निधि के साथ रहने रखता। वहाँ दूसरी ओर अभिनव की माँ अभिनव को फ़ोन करती और कहती, बेटा यह घर तुम्हारे बिना सूना सूना लगता है, अपनी माँ को माफ़ कर दो और बहू के साथ इस घर में रहने के लिए आ जाओ। अभिनव की माँ अपने बेटे और बहू के आने की तैयारी करती, अपनी बहू के गृह प्रवेश की तैयारी करती। तभी अभिनव की बुआ कहती, भाभी आप उस लड़की का स्वागत करने के लिए इतनी उत्सुक हैं जिसने आपसे आपका बेटा छीन लिया। याद कीजिए भाभी, निधि के कारण ही आपका बेटा आपसे दूर हुआ है, वरना आज तक जिस बेटे ने आपकी किसी बात को नहीं तारा वह आपको छोड़कर निधि के पास चला गया और आप उस लड़की के स्वागत की तैयारी कर रही हैं। अभिनव की माँ, मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती, जिसमें मेरे बेटे की खुशी उसमें ही मेरी खुशी। तो मैंने कब कहा कि आप अपने बेटे को छोड़ दीजिए? अभिनव की बुआ कहती, लेकिन उस लड़की को तो मत माफ़ कीजिए जिसकी वजह से आपका बेटा आपसे दूर हो गया। क्या पता कर के दिन कोई ऐसा जादू करते जिससे अभिनव आपका चेहरा तक देखना पसंद ना करे और आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। अभिनव की माँ, तो मैं क्या करूँ? अभिनव और निधि के बीच में दरार डालना शुरू कर दीजिए जिसकी वजह से अभिनव खुद ब खुद निधि से दूर हो जाएगा। क्या अभिनव की माँ और उसकी बुआ अभिनव और निधि के रिश्ते में दरार डाल पाएंगी और इसके लिए वह क्या क्या चारें चलेंगी? कहानी के अगले भाग में जरूर देखिएगा, लेकिन उसके लिए कर लीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब मैं कहानी का अगला भाग लेकर आऊँ तो आपको पता चल सके। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।